अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था गुलमोड सिटी के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इसके लोकेशन के हवाले से बताया था, इसके सराउंडिंग के हवाले से बताया था और इसके अलावा काफ़ी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी इनके लेआउट प्लान के हवाले से और इनके कौन कौन से ब्लॉक की लोकेशन क्या क्या है उसके हवाले से आपको अपडेट किया था। पेमेंट शेड्यूल भी आपके साथ शेयर किया था और बुकिंग प्रोसेस भी हमने आपको उस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में दोबारा भी शेयर कर देंगे आपके साथ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ब्लॉक का मैं आपको ऑन मैप विजिट कराऊंगा आज और हर ब्लॉक के अंदर किस साइज़ के प्लॉट्स हैं और उनमें अवेलेबिलिटी क्या क्या है उसके हवाले से आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे और आपको मैं एंड पे ये भी बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कौन सी साइज़ की इन्वेस्टमेंट बेस्ट हो सकती है, कुछ फैक्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कटिंग और कौन सा साइज़ बेहतर है तो उसकी रीजंस क्या हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ऑन मैप स्टडी शुरू करते हैं जी। तो अगर हम मैप स्टडी की बात करें तो आपको टोटल 6 सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा मैप है, एक एक ब्लॉक हम स्टडी करेंगे इस वक्त और ये सेक्टर वन, हर सेक्टर में दो दो ब्लॉक हैं। सेक्टर वन और सेक्टर टू की बात करें तो सेक्टर वन पूरा का पूरा होल्ड पे है इस टाइम बिल्डर की तरफ से और सेक्टर टू की अगर बात करें तो इसमें सी अवेलेबल है सेल के लिए, डी होल्ड पे है। तो ये तीन ब्लॉक होल्ड पे हैं, इसकी डिटेल हम आपको देंगे कि बिल्डर की तरफ से होल्ड क्यों किए गए हैं। आगे हम चलते हैं, आगे अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है ब्लॉक एफ और इसके साथ ब्लॉक ई देखने को मिलता है। ब्लॉक एफ में आपको 250 और 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और ब्लॉक ई में आपको देखने को मिलते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। और अगर हम ब्लॉक एच की बात करें, जी की बात करें सबसे पहले, तो जी में ही आपको 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और एच में भी 125 ही देखने को मिलता है। उससे आगे अगर हम चले जाएँ तो ब्लॉक जे है, ब्लॉक जे में 250 है, 200 है और इसके अलावा ब्लॉक आई में 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। और ब्लॉक के की अगर हम बात करें तो ब्लॉक के में आपको देखने को मिलते हैं 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स और उसके बैक साइड पे ब्लॉक एल में आपको देखने को मिलते हैं 80 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स। अवेलेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ए बी और डी की, तो ए बी डी जो है बिल्डर से होल्ड पे हैं, बिल्डर इसके ऊपर विलास की प्लानिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे वो भी प्लानिंग कंप्लीट होगी लॉन्चिंग में आएंगे या प्री लॉन्चिंग में होंगे तब उसमें भी आपकी बुकिंग कराएंगे। और ब्लॉक सी की बात करें तो ब्लॉक सी में 500-1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, अवेलेबिलिटी है, इनमें आपको जनरल प्लॉट देखने को मिल जाएंगे और अच्छी लोकेशन है। और इससे आगे अगर हम जाएं तो उसके बाद ऑनवर्ड आपको जो अवेलेबिलिटी मिलती है वो ब्लॉक जे में मिलती है 250 और 200 स्क्वायर यार्ड की और इसके अलावा 125 में अगर आप जाएंगे तो ब्लॉक आई में और ब्लॉक एच में आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक के में भी कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं आपको और 80 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो 80 में आपको देखने को मिलेगी अवेलेबिलिटी इस टाइम ब्लॉक एल में। और इसके अलावा अगर हम 150 की बात करें तो 150 भी आपको देखने को मिल सकता है ब्लॉक आई के अंदर, ब्लॉक आई के अंदर आपको 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस टाइम मैं अगर सबसे हॉट किसी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो मेन एंट्रेंस के साथ ही, जैसे ही मेन एंट्रेंस से एंटर होंगे आप, मेन गेट से एंटर होंगे तो फाउंटेन चुरंगी के साथ ही राइट साइड पे आपको देखने को मिलता है ब्लॉक सी। ब्लॉक सी में 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं और 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स भी हैं। तो इस टाइम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि आप ब्लॉक सी में 500 में जाएँ या 1000 स्क्वायर यार्ड में जाएँ। इसकी एक तो लोकेशन बहुत आउट क्लास है, बिल्कुल मोटरवे के साथ ही ये ब्लॉक लग रहा है। और इसके अलावा मज़ीद अगर आप बात करें तो ए बी और डी में क्योंकि बिल्डर विलास की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही विलास बनना शुरू होंगे और इनकी लॉन्चिंग शुरू होगी तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी इन प्लॉट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा अगले 1-2 साल के अंदर। तो हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए इस सोसाइटी के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे हॉट इन्वेस्टमेंट है वो कराई जाए। तो इसमें आप 500 यार्ड में भी जा सकते हैं, 1000 स्क्वायर यार्ड में भी जा सकते हैं। 500 यार्ड की जो बुकिंग है इस वक्त, जब मैं जनवरी 2022 में बात कर रहा हूँ, तो 45 लाख रुपीज़ की है। 45 लाख रुपीज़ की आपको 500 यार्ड के प्लॉट की बुकिंग मिलेगी और 83 लाख की आपको मिलेगी 1000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की बुकिंग। डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, वो आप बुकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसमें मैं आपको मज़ीद बता दूंगा कि हम कितना आपको डिस्काउंट दिला सकते हैं इन प्लॉट्स के अंदर। और इसके अलावा अगर हम जाएँ तो आपको 250 स्क्वायर यार्ड में ब्लॉक जे में अवेलेबिलिटी इस टाइम मिल रही है। बहरहाल अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे होंगे तो उस टाइम के हिसाब से आप मुझसे अवेलेबिलिटी पूछ सकते हैं। बहरहाल इस टाइम पे हमारे पास ब्लॉक जे में कॉर्नर्स भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, वेस्ट ओपन भी देखने को मिल जाएंगे। और ब्लॉक आई में अगर आप जाते हैं तो 150 और 125 के कुछ ऑप्शंस, 150 के ऑप्शंस मिल जाएंगे ज़्यादा, लेकिन 125 के ऑप्शंस लिमिटेड होंगे।
और ब्लॉक एल में भी हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी बिल्डर लॉन्च कर रहा है कुछ और फेजेस भी, जैसे जैसे वो भी आएंगे तो उनके भी आपके साथ इनसाइट शेयर करेंगे। और अगर आप गुलमोर सिटी में बुकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके मज़ीद क्यूरीज होंगे, मज़ीद डिटेल होंगी, तो आपकी वो क्यूरीज भी क्लियर करेंगे। और अगर आपका माइंड मेकअप होगा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे, जो कि बहुत सेफ़ है। तो आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ रईस ज़ाहिद।